हेलो दोस्तों वेलकम टू फैंटेसी स्काउट इलेवन मेरा नाम है रक्षित ईएफएल कप फाइनल बिटवीन चेल्सी एंड लिवरपूल की लाइनअप्स आ चुकी हैं दिस इज माय फाइनल बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली दोस्तों पूरा खेल इस मैच में मिडफील्ड का है प्रिडिक्शन की बात करो इट इज वेरी वेरी क्लोज अगर आप ऑर्ड्स की बात करेंगे तब भी आप देखेंगे कि इट इज वेरी क्लोज बिटवीन द टू टीम्स एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि लिवरपूल की अगर आप बेंच देखेंगे वहां पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इस स्टार्टिंग इलेवन के प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकता है बहुत ज्यादा सो देर इज नो साला साल इज नो नूनेस दर इज नो जोटा देर इज नो ट्रेंड दर इज नो एलिसन ये सारे प्लेयर्स ऑफकोर्स मिसिंग है सोबर स्लाई भी नहीं है इस मैच में सो so, जो भी प्लेयर्स हैं लिवरपूल की स्टार्टिंग लाइनअप लाइनअपे उनको अच्छे मिनट्स इस मैच में मिल सकते हैं सो आई एम गोइंग फॉर समथिंग लाइक अ वन वन ड्रॉ बहुत क्लोज है पिछले दो कप फाइनल्स हुए थे इन दोनों टीम्स के बीच में अगर आपको याद होगा वो दोनों जीरो जीरो फिनिश हुए थे सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ आउटकम जो हो सकती है जैक्सन और स्वर्लिंग में से एक पिक करना है स्ट्राइकर मैं जस्ट अबाउट जैक्सन को पिक करूंगा अगर दोनों गोलोज नहीं देते हैं तो मुझे लगता है जैक्सन आपको बेटर बेस पॉइंट दे सकते हैं वाई मोर चांसेस क्रिएटेड एंड शॉर्ट्स ऑल्सो एंड थोड़ा बहुत आई थिंक मैं जैक्सन को ज्यादा ट्रस्ट करूंगा ऑल इट्स अ प्रॉपर फिफ्टी फिफ्टी कॉल मिडफील्ड में दोस्तों असली आई थिंक कॉम्पिटिशन है प्रॉब्लम uh, यह है कि देर आर अ अड ऑफ गुड मिडफील्ड पिक्स मेरे हिसाब से जो कंफर्म्ड पिक्स आपके होने चाहिए वो है पाल्मर गैलेगर एंड मकैलिस्टर मैकेलेर मैं इसलिए बोलूंगा दोस्तों बिकॉज वो पेनल्टीज पे हमने देखा लास्ट मैच में पुल के जब साला नहीं थे तो मैकेलेर ने पेनल्टीज दी थी हमें पता है ही सच अ गुड बेस पॉइंट्स प्लेयर एंड जब इंडो टीम में खेलते हैं तो मैकेलेस्टर थोड़ा सा आगे भी जाते हैं बिकॉज एंडो थोड़ा डिफेंसिव वर्क कर लेते हैं तो that is why surprisingly perhaps मैंने Macalister को इस मैच में कैप्टन किया है उसके बाद मैंने पिक किया है लुइस डियाज को आई थिंक अगर आप फ्रंट प्लेयर्स की बात करें लुइस डियाज इस डबल जिनको मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करूंगा इस लेवल टीम में फिर अगर आप बात करें मैंने कोल पार्मर एंड गैलेगर को पिक किया है कोल पाल्मर मेरे वीसी हैं आप बहुत आराम से कोल पार्मर को दोस्तों कैप्टनसी भी दे सकते हैं मेरे लिए स्ट्रैटेजी कंसर्निंग ये था कि जब सेम फॉर्मेशन चेल्सी ने खेली थी अगेंस्ट मैन सिटी इन द प्रीवियस मैच तो कोल पार्मर बहुत डीप खेल रहे थे एंड ऑल्सो ही गॉट सब्सिट्यूटेड एट सेवेंटी इस मैच में जल्दी सब्सिट्यूट होंगे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच बट आई डू फील की चेल्सी के पास बेंच कवर ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिवूल प्लेयर्स गैलेगर के डिफेंसिव वर्क रेट इज सो गुड इस सॉर्ट ऑफ क्लोज मैच right में ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन मेरे लिए लास्ट डिसीजन है जो अभी तक दोस्तों में श्योर नहीं हूं इज एनजो फर्नांडेज वर्सेज कोडी गैकपो बहुत क्लोज है जस्ट अबाउट गोइंग फॉर एनजो मुझे लगता है कि अगेन अगर एक क्लोज मैच होगा जिसमें लो स्कोरिंग मैच होगा जो हो सकता है प्रॉपरली

प्ले इट योर वे मेरा ओपिनियन है आप अपने हिसाब से टीम बनाइएगा दैट इज ऑल आई वॉन्ट टू से एंड सेफकोर्स दूसरे मैचेस में भी दोस्तों आपको टीम मिल जाएगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल फाइंड स्काउट स्काउटन फुटबॉल जिसका आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एंड वन लास्ट थिंग वन एक्सबैट पर दोस्तों आप ये मैच खेल सकते हैं एंड अदर फुटबॉल मैचेस एज वेल बहुत सारे मैचेस है वन एक्सबैट ऐप अगर आपको डाउनलोड करनी है यूज माई रेफोरेड लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून जिस गाइस